धनबाद के कार्यालय में दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए सैकड़ों दिव्यांग एक साथ पहुंच गए, जहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां पर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही मास्क लगाए हुए थे। इसी के साथ वहां उपस्थित अधिकारी व कर्मी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए सैकड़ों दिव्यांग पहुंच गए, जिससे रेड क्रॉस कार्यालय में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही मास्क लगाए हुए थे। बताया गया कि पूरे जिले से एक ही दिन दिव्यांग को बुला लेने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। वही सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इतनी भीड़ होने के बाद भी ना तो रेड क्रॉस के अधिकारी या कर्मी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे थे और ना ही लाभुक दिव्यांग को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कह रहे थे। मीडिया को देखने के बाद रेड क्रॉस के लोगों ने भीड़ को हटाया। इसे लेकर रेड क्रॉस महिला कर्मी ने कहा कि सभी दिव्यांगों को कहा गया था कि पहले कोरोना टेस्ट कराएं और धीरे धीरे आकर अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट ले, लेकिन एक ही दिन लोग पहुंच गए। कहा कि आज हम लोग मात्र 25 लोगों को ही सर्टिफिकेट देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग में रहने के लिए कहा जा रहा है। वही दूर दराज से आए दिव्यांग भी परेशान दिखे। कहा कि काफी दूर दराज से सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, अगर आज नहीं दिया जाएगा तो फिर से आने की परेशानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। किस चीज का यहाँ पर खूब जवाब हो रहा है आज? विकलांग शिविर है तो पहले हम लोग बोल भी दिया गया था कि पहले कोरोना टेस्ट होके होना है और सब 11:30 बजे के बाद ही होना था जी। उससे पहले ही सब लोग आ गए, काफी संख्या में आए हैं लोग, काफी संख्या में सोशल, जबकि आगा सबको बोल दिया गया, लिखित भी दिया गया कि बिना मास्क कोई नहीं आएंगे और डिस्टेंस बनाते हुए। तो अभी आप लोग फॉर्म जमा ले रहे हैं कि नहीं लेंगे? वही 20 से 25 करेंगे ENT का जी, अब वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू करेंगे हम लोग। क्या नाम है मैडम आपका, परिचय? क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।